हेरा फेरी 3 मूवी का मेन विलन रिवील। आदि पुरुष की टीम की तरफ से शॉकिंग अपडेट है, मूवी में कोई चेंज नहीं करने वाली है एडिटिंग टीम। और अक्षय कुमार की सेल्फी मूवी का डिजास्ट्रस ओपनिंग ऑन फर्स्ट डे। हेलो जेस्टेगर्स, आज हम ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंपोर्टेंट अपडेट्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मूवी वर्ल्ड को लेकर कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। यह है हमारी नई सीरीज संडे अपडेट्स का सेकंड एपिसोड। तो पहले शुरू करते हैं हेरा फेरी 3 मूवी के अपडेट्स को लेकर, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में हेरा फेरी 3 मूवी के बारे में कई सारी इंपोर्टेंट डिटेल्स और रूमर्स बाहर निकल कर आए हैं। जहां फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेरा फेरी की इस सीक्वल का नाम हेरा फेरी 3 नहीं बल्कि हेरा फेरी 4 होने वाला है। अब इसका रीजन तो मूवी देखने के बाद ही पता चल पाएगा। और इस मूवी की स्टोरी मोस्टली इंटरनेशनल स्कैम्स पर बेस्ड होने वाली है, जिसकी वजह से इस मूवी की ज्यादातर शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पर ही शूट की जाएगी, लाइक अबू धाबी, दुबई एंड लॉस एंजेलिस। और शॉकिंग रूमर्स तो ये भी निकल कर आ रहे हैं कि इस मूवी के मेन एंटागोनिस्ट के किरदार को संजय दत्त प्ले करने वाले हैं, जो कि मूवी में एक अंधे और काफी विचित्र इंसान के किरदार को पोर्ट्रे करेंगे और हमें हंसी दिलाएंगे। और जहां पर पहले इस मूवी को बुलबुल 2 के डायरेक्टर अनीस बज्मी डायरेक्ट करने वाले थे, उन्होंने भी इस मूवी से अपनी एग्जिट मारने का रीजन डिस्क्लोज कर दिया है। जहां उन्होंने बताया कि वो और अक्षय कुमार दोनों इस मूवी का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी में दम नहीं था दोस्त। फिरोज नडियादवाला का आइडिया और उनकी स्क्रिप्ट इनको जमी नहीं थी, तो इन्होंने मेकर्स को डायरेक्ट आंसर किया कि नो स्क्रिप्ट नो हिट, और उन्होंने इस मूवी से एग्जिट मार ली थी। और वहीं पर आदि पुरुष मूवी के एडिटर आशीष मात्रे ने ऑडियंस को एक शॉकिंग अपडेट दे दी है भाई, कि उन्होंने आदि पुरुष के ट्रेलर को क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी मूवी में ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं किए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने इस मूवी को बनाने में कोई गलती नहीं की है, मूवी वैसी ही होगी जैसा उन्होंने पहले प्लान किया था, बस पब्लिक डिमांड पर कुछ पर्टिकुलर सीन्स में माइनर चेंजेस किए गए हैं। और वहीं आरआरआर मूवी अपना डंका अब हॉलीवुड में भी बजा रही है, जहां हाल ही में इस मूवी ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन के 4 अवार्ड जीते। साथ ही में आमिर खान अपने बर्थडे पर 14 मार्च को सलमान खान के साथ एक मूवी की अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, जिसके रूमर्स तो कब से आ रहे थे, जिसमें सलमान खान लीड में होंगे। और ये मूवी स्पेनिश मूवी चैंपियंस की एक ऑफिशियल अडेप्शन होगी, जिसका पूरा क्रिएटिव कंट्रोल आमिर खान अपने हाथ में रखने वाले हैं। साथ ही में इसी वीक हमको कुछ ट्रेलर्स और टीजर्स भी देखने को मिले, जिसमें रानी मुखर्जी की मूवी मिसिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के ट्रेलर को ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया। इसके साथ मार्टिन और गणपत के टीजर भी हमें देखने को मिले, जिसको लेकर ऑडियंस के मिक्स रिएक्शंस आए। और सबसे शॉकिंग अपडेट है अक्षय कुमार की मूवी सेल्फी को लेकर। अक्षय कुमार की इस मूवी ने एक दशक के बाद ऐसी डिजास्ट्रस ओपनिंग देखी है, जिसने अपने फर्स्ट डे पर सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ की कमाई की। और यहां तक कि कार्तिक आर्यन की शहजादा मूवी ने भी अपने फर्स्ट डे पर 6 करोड़ की कमाई की थी। और अक्षय कुमार की यह सेल्फी मूवी एक अच्छी खासी और एंटरटेनिंग मूवी होते हुए भी एक सुपर फ्लॉप मूवी साबित हो सकती है, जो कि काफी बुरी चीज होगी, क्योंकि मूवी पैसा वसूल है और पूरा मजा देती है, जिसको लेकर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से देखना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल जेस्टेक सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर हमसे कोई इंपोर्टेंट अपडेट मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। दिस इज जेस्ट एंड यू आर वॉचिंग जेस्टेक सिनेमा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।